हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीएल यूजी 2022 का काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, ठीक है। तो आज उन्हीं डाउट्स को हम जो है क्लियर करके आपका वो सारे डाउट सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब के कॉमेंट्स सेशन में बहुत सारे यूट्यूब से आपको वीडियोज पे कॉमेंट करते होंगे, लेकिन उनके रिप्लाईज आपके पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो रिप्लाईज नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारे जो डाउट्स आपके कॉमन जो ज्यादा स्टूडेंट्स के जो डाउट वो क्लियर करके आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपके भी कोई डाउट्स कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आईसीएल यूजी पीजीएन पीएचडी की रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डाउट्स है उनकी हम बात करेंगे। सबसे बड़ा जो डाउट्स अभी स्टूडेंट्स के बीच में आ रहा है वो अलॉटमेंट लेटर के रिगार्डिंग, उसके बाद में नोट अलॉटमेंट लिखा हुआ है उन स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन है उनके भी हम बात करेंगे, उसके बाद में 10,000 रुपये जो रिफंड है, ठीक है, रिफंड पॉलिसी, और उसके बाद में जो बात करेंगे कि 10,000 रुपये आपने पे किया है तो उसके रिलेटेड भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, और उसी के साथ अपग्रेड जो अपग्रेडेशन लगाया जिन स्टूडेंट्स ने उसके रिगार्डिंग हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में सीट अलॉटमेंट के बाद आपको क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे उसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, और उसके बाद में आपको सेकंड राउंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ऑफलाइन क्लासेस एंड हॉस्टल आपको जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग जो अपडेट्स है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो सीट कैंसिल का, ठीक है, काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मेरा सीट कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी प्रोसेस के भी बारे में हम आपको इस वीडियो में ढंग से अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम इस सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल पर यदि सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स कन्फ्यूजन दूर होते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर की। तो अलॉटमेंट लेटर आपको आपकी ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। अब काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं भैया कब तक मेरा अलॉटमेंट लेटर आएगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को तो अलॉटमेंट हो चुका है, काफी स्टूडेंट्स को तो मिल चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिला है, तो उनको अभी वेट करना होगा, क्योंकि आपका यदि अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, ठीक है, काफी स्टूडेंट्स हो रहे हैं मेरे को अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अलॉटमेंट लेटर सबको मिलेगा। आपको अपनी आईडी पे टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने आप कॉलेज वाले डाल देंगे, ओके, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वो अभी आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग में चाहिए होंगे जो आपका फरवरी के सेकंड वीक या थर्ड वीक तक होगा, ठीक है। तो इस डाउट्स में मत रहिए कि ये मेरा अलॉटमेंट लेटर नहीं होगा तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो अभी वेट कर लीजिए, जब भी आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाए डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, ओके। उसके बाद में बात करेंगे सेकंड डाउट का, नोट अलॉटमेंट लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को नोट अलॉटमेंट लिखा है, मतलब इसको सीट नहीं मिला है, उसको अभी कुछ भी नहीं करना है, उसको सेकंड राउंड का वेट करना है, नहीं को रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो चॉइस फिलिंग आपने फर्स्ट राउंड में रखी थी, जो फर्स्ट आपने जब चॉइस फिलिंग किया था, वही आपका सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड तक चलने वाला है, ठीक है। तो यदि जिनको सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट आपको हो जाएगा तो आपको वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा प्रोसेस आपको करना होगा, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वेट करना है यदि आपको नोट अलॉटमेंट लिखा हुआ आ रहा है तो, ठीक है, अभी आपको सेकंड राउंड का वेट करना है। उसके बाद में 10,000 रुपये पेमेंट जो है वो 10,000 जो पेमेंट आपने किया उसका आपको डिटेल्स अपने पास रखना है, अपना रसीद जिस भी बैंक से आप ट्रांसफर किए वो अपने पास रखना है, वो आपको ऑफलाइन देना होगा, और वो जो फीस है वो आपका टोटल फीस में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वो फीस का रसीद है वो अपने पास रखिएगा, ऐसे नहीं कि आप फीस पेमेंट कर दिए उसकी कोई भी डिटेल्स आपके पास नहीं है, तो सारे स्टूडेंट जिन्होंने फीस पेमेंट की है 10,000 रुपये वो अपने पास रखिए, ओके, ये भी आपका क्लियर हो गया। अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट जिन्होंने कॉलेज पसंद नहीं आया या आपको कोर्स अच्छा नहीं मिला, मान लो कि हॉर्टिकल्चर मिल गया लेकिन एग्रीकल्चर जैसा आपका रैंक है तो आप अपग्रेडेशन में डाल दिए, तो ऊपर की कॉलेजेस है वो आपको सीट है, ज्यादा चांसेस रहेगा कि उनमें सीट रहेगा तो वही सीट आपको अलॉटमेंट हो जाएगी, और यदि वो सीट नहीं रहेगा तो वापस वही कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपको कोई दूसरा कॉलेज मिलता है और आपको वो भी पसंद नहीं आया तो आप पहले वाला कॉलेज भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जब सेकंड वाला कॉलेज मिलेगा जिसमें आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वही प्रोसेस आपको डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद में हम आ गया कि सीट अलॉटमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या है। जैसे सीट अलॉटमेंट हो गया, सभी स्टूडेंट्स ने किसी स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन नहीं किया वो सीट ले लिया, तो उसको आगे क्या करना है, ठीक है। तो आगे अभी कुछ नहीं करना आपको, जब आपके पास ऑफिशियल ईमेल आ जाएगा जो भी आपका कॉलेज मिला है उसकी ऑफिशियल साइट पे आप एक्टिव रहिए, आपको जब सबका एडमिशन हो जाएगा सबकी आईसीआर काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सबको एक साथ ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके साथ ही आपको वहीं पर हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगी और वहीं पर आपकी क्लासेस रनिंग करना स्टार्ट कर देगी, इसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियोज प्रोवाइड करवा देंगे, ओके, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। थर्ड टू सेकंड राउंड थर्ड राउंड रजिस्ट्रेशन करना
कर रहे थे सेकंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड के रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने पहले फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है उनको सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है उनको। और जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ओके, जिन्होंने अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो डायरेक्ट मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन्होंने कर लिया है वो सेकंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। यदि आपकी नोट अलॉटेड लिखा रहा है तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना हो, और यदि आपको सीट मिल गया हो तो आगे ही प्रोसेस करना होगा, ओके। उसके बाद में ऑफलाइन क्लासेस हॉस्टल को आपको अपडेट कैसे मिलेगा, तो जो भी कॉलेजेस आपकी अलॉटमेंट हुई है उससे आप कॉल करके पूछ सकते हो, पूछताछ कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, और सबका एक साथ क्लासेस स्टार्ट होगा जो आपका फरवरी तक होगा। लेकिन इससे पहले आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसका नंबर आपको शो हो रहा है, मेल भी शो हो रहा है, तो उनको पूछताछ कर सकते हो, ओके। उसके बाद में सीट कैंसिल, काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार मेरे को सीट अलॉटमेंट नहीं मिला तो सीट कैंसिल हो जाएगा। विदाउट योर परमिशन अभी कुछ भी सीट अलॉटमेंट कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी तब तक आपका सीट कैंसिल नहीं होगा। यदि किसी स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं मिल पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करा पाता है, यदि ऑफलाइन में भी ऐसा होगा तो आपको कॉलेज के द्वारा टाइम दिया जाएगा, सफिशियंट टाइम मिलेगा, उस टाइम में आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ओके। तो घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना कि भैया मेरे पास तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो मुझे क्या कैंसिल हो जाएगा। सीट विदाउट योर परमिशन नहीं होगा, ठीक है। उसके कुछ टेक्निकल इश्यूज आए तो अलग अलग बात है, लेकिन कॉलेज वाले तब तक कैंसिल आपका सीट नहीं करेंगे जब तक आपका परमिशन नहीं होगा। हालांकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल देने होंगे, यदि डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज़्यादा ही गलती हो जाएगी उसमें सुधार नहीं किया जाएगा तभी आपका सीट कैंसिल होगा, ओके। बट आपको सफिशियंट टाइम दिया जाएगा उसके लिए, तो इससे इसको लिए घबराना नहीं है कि मुझे मेरा सीट कैंसिल हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला आपकी विदाउट योर परमिशन, ठीक है। सब आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो